एनी क्रॉस क्वेश्चन रखना। है बिल्कुल है, बिल्कुल है। पूछो कैसे। मैंने राम मंदिर वाला एग्जांपल दिया था ना सबको कि हाँ भाई अयोध्या है ना, अयोध्या है, अयोध्या में राम मंदिर बन रही है और इस समय पूरे इंडिया का फोकस अयोध्या में ही है, एग्जांपल दिया था ना। ठीक है, तो अब ये बताओ कोई भी कंपनी आएगी 2 साल 3 साल बाद, जब मंदिर का पूरा कंप्लीट कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा और मंदिर का जब इनॉग्रेशन होगा, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा दीप उत्सव भी हमारे यहाँ होता है, आपको पता होना चाहिए, है ना। और इतने बड़े लेवल पे सारी चीजें गिनीस वर्ल्ड लेवल पे, और प्लस मीडिया अयोध्या 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 करते करते आती है, और दीप उत्सव में भी दिवाली के टाइम पे अयोध्या होता है, ठीक है, और रामनवमी के टाइम पे अयोध्या होता है, और अभी जब राम मंदिर बन जाएगी तब भी आप लाइक समथिंग अबाउट रिलीजियस काफी हो जाएगा अयोध्या, ठीक है। जब यहाँ पे इतने सारे होटल्स ओपन होंगे, कॉरपोरेट्स आएंगे, फैक्ट्रीज ओपन होंगी, मॉल भी अब बन गया है, जो जो मॉल जो बना रहा है, जिसका मॉल है वो, उनको मैंने अपना फ्रेंड बना लिया है, उनको मैंने अपना क्लाइंट बना लिया है, 90% मार्केट को मैंने एक्वायर करके उनसे 2-2 हजार 1-1 हजार के काम ले लिए हैं अब तक, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आने वाले 3 साल के बाद जब राम मंदिर बन जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि मेरे पास काम नहीं आएगा, मेरे पास इतना काम आएगा कि मुझे इतनी बड़ी टीम चाहिए होगी। अभी शॉपकीपर वाला ऐप भी लॉन्च कर रहे हैं, 2 साल हो गया, लेकिन तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल, मतलब 5वें साल तक हम सक्सेस होंगे, 5वें साल में मेरी अर्निंग नेट, मतलब मंथली खुद की, मेरी खुद की अर्निंग एटलीस्ट 10,000 20,000 30,000 40,000 तक तो होगी, क्या लगता है आपको, जिस हिसाब से मैं बता रहा हूं। पॉसिबिलिटी 100% है, 100% है, क्योंकि मुझे हर बंदा कहता है कि नौकरी कर लो, सरकारी नौकरी कर लो, 30,000 40,000 रुपये बचाओगे, बट मैं कहता हूं कि मैं थोड़ा 1 साल और वेट कर लूं, मेरे पास इतना बिजनेस आएगा, इतना बिजनेस आएगा, उन सब का जीएसटी, उन सब का परसेंटेज, उन सब को सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद मिनिमम 1 लाख रुपए महीना बचेगा। क्यों? क्योंकि इतने क्लाइंट्स होंगे हमारे पास, चाहे अयोध्या में हो, अभी तो सिर्फ अयोध्या की मैं बात कर रहा हूं। अब मैंने क्या किया, मैंने अपने विजन को बड़ा किया ना, मैंने, आप कहां से हो रचना? उड़ीसा से। मैंने उड़ीसा में आपको बिजनेस के लिए करने को बोला ना मेरे साथ, दीपक आपको मैंने अमेठी नोएडा में बोला ना कि आप मेरे साथ बिजनेस करो, यहाँ पे निकिता आपको शारदा यूनिवर्सिटी से मैंने बोला ना कि आप शारदा यूनिवर्सिटी में हमारा प्रमोशन करो। अब ये बताओ कि अगर मेरे पास 70 इंटर्न्स इस समय करेंटली हैं, उस 70 इंटर्न में अगर 20 लोग भी, 20 लोगों ने 5-5 हजार का बिजनेस ले आए, तो 5,000 × 20 करो कितना होता है पता है? 5,000 × 20 समथिंग अबाउट 1 लाख, 1 लाख रुपए का रिवेन्यू जनरेट होगा मेरी कंपनी में, वो भी आप ही लोगों की वजह से। सोल्यूशन मिला रचना? क्या सोल्यूशन मिला बताओ, निकिता तुम बताओ क्या सोल्यूशन मिला? और रचना आपको ये क्या क्या ये क्लियर हुआ कि हम लाइक प्रॉफिट में जाए?